हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ लेंसेज। मार्केट में बहुत तरीके के लेंस अवेलेबल है, बट एज ए बिगनर जब हम मार्केट में लेंस देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कौन सा लेंस लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। मार्केट में दो लेंसेज हैं जो मैक्सिमम लेंसेज को कवर कर लेते हैं अपने अंदर। पहला है प्राइम लेंस और दूसरा है जूम लेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम लेंसेज के। प्राइम लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिनकी फोकस लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते, मींस 50mm हो गया, 30mm हो गया, अगर और भी बहुत सारे ऐसे mm आते हैं जो फिक्स होते हैं। इन लेंसों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट्स के पास जाना है या सब्जेक्ट से दूर जाना है तो आपको मैनुअली खुद होना पड़ेगा। प्राइम लेंसेज में आपके वाइड एंगल लेंस भी आते हैं, बिकॉज ऐसे कई लेंसेज हैं जो 60mm हैं या 10mm हैं और वो बहुत लो अपर्चर पे आप उनसे शूट कर सकते हो। प्राइम लेंसेज में और भी ऐसे लेंसेज हैं लाइक फिश आई या सिनेमा लेंसेज जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। जूम लेंस, मार्केट में जूम लेंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप 18-55 देख लो, अगर आप 55-250 देख लो, आप 70-300 लेंस देख लो, ये सब जूम लेंस में आते हैं। अब उसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि जो 70-200 लेंस आता है प्रोफेशनली, वो कौन सा लेंस हो गया, वो भी तो जूम लेंस में आएगा। तो वो लेंस आते हैं आपके फिक्स अपर्चर वाले लेंसेज, और जो लेंस किट लेंस मैंने अभी आपको बताए हैं वो लेंस वेरिएबल लेंसेज होते हैं जिनकी लेंस चेंज होने के साथ उनका अपर्चर चेंज होता रहता है। ऐसे लेंसेज जो जूम इन जूम आउट के साथ आपको फिक्स अपर्चर प्रोवाइड करते हैं वो टेलीफोटो लेंसेज कहलाते हैं। और इसी में एक सुपर जूम लेंसेज आते हैं जो आपको 800mm, 900mm, 1400mm तक की लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप के लेंसेज होते हैं जो वाइल्ड फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं, जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट के पास नहीं जा सकते, आपको बहुत दूर से फोटोज़ क्लिक या वीडियोस बनानी पड़ती हैं, तो इसीलिए आप सुपर जूम लेंसेज का यूज़ करते हैं। मैक्रो लेंसेज, अब मैक्रो लेंसेज जूम में भी अवेलेबल हैं और प्राइम में भी अवेलेबल हैं, तो इस टाइप के लेंसेज का यूज़ हम करते हैं बहुत ही बारीक चीज़ों को शो करने के लिए। लाइक आपको किसी इंसेक्ट को शो करना हो बिल्कुल उसके टेक्सचर के साथ, या फिर आपको किसी चीज़ का टेक्सचर ही शो करना है, तो इस टाइप के फ़ोटोज़ को क्लिक करने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए आपको मैक्रो लेंस की नीड होती है। वाइड एंगल लेंसेज, अब वाइड एंगल लेंसेज बहुत सारे हैं, आपको 30 से नीचे की लेंथ के जितने भी लेंसेज होंगे वो आपके वाइड एंगल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बेसिकली वाइड एंगल लेंसेज जो लेंस बहुत ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर लेते हैं, अगर आपको किसी बिल्डिंग की या फिर किसी आर्किटेक्चर एरिया की फ़ोटो क्लिक करनी है, आपको कोई मॉन्यूमेंट शो करना है, तो इस टाइप की फ़ोटोज़ को क्लिक करने के लिए आपको एक वाइड एंगल लेंस चाहिए जो एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें नीड हो इस नॉलेज की। और भी अगर इससे रिलेटेड आपको कंटेंट देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। बाय।